लेट जाओ इधर तुम बेटा। मैं लेटी हूँ। लेट जाओ यहीं पे हैं। मम्मी नीचे लेट गई हैं तुम्हारी, कहीं रही पर ना लेट हुए, यहीं लेट जाओ। सब परेशान हो गए, मेरी बेटी भी परेशान है, उनकी मम्मी तो बहुत ज़्यादा परेशान है। ये देखो कैसा हो गया है हाल। अब कुछ आराम है? हैं हैं बोलो, कुछ आराम है? कुछ बोल भी नहीं रही है। रात के बज रहा है 3:30। तो आए हैं अस्पताल, जिला अस्पताल में। पता नहीं क्या हो गया अचानक सोनी जी को, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और खुजली हो रही थी, पूरी शरीर में खुजलाहट थी बहुत ज़्यादा कि सारे कपड़े उतार कर फेंक दो, खुजवाओ, जितने लोग भी खुजवा पाओ सब लोग खुजवाओ, ऐसा कुछ हाल था इनका। अचानक उनको लाना पड़ा हॉस्पिटल, जिला अस्पताल लेके आए हैं। लाडो भी साथ में है, हम हैं। एम्बुलेंस को फ़ोन किए थे, कोई साधन नहीं था हमारे पास, कुछ मिल नहीं रहा था, तो इसलिए सोचा चलिए एम्बुलेंस को फ़ोन कर लेते हैं। तो एम्बुलेंस से लेके आए हैं और क्रिस घर पर ही रह गया है, उसको छोड़ के आए हैं। लाडो, हम और लाडो की मम्मी आए हुए, तो इंजेक्शन लग गया है इनको और कुछ देर, आधा घंटा बोले हैं डॉक्टर साहब कि आधा घंटा कुछ आराम करिए, उसके बाद कैसा होता है, कुछ आराम मिलता है कि नहीं मिलता है तब बताइए, तब उसके हिसाब से दवा देते हैं, इंजेक्शन भी लगाते हैं। तो 15 मिनट लगभग हो गया है, 15 मिनट के बाद डॉक्टर जी के पास जाएंगे हम, बताएंगे कैसा हाल है। अभी बहुत ज़्यादा खुजलाहट हो रहा है, बस डॉक्टर साहब बोले हैं कि खुजलाओ मत, पता नहीं क्या हो गया, अचानक सो रही थी और एक सारंग काट लिया था, काली वाली सारंग काटी, उसके बाद सारी सारे शरीर में पूरा दाने दाना चखत्ते चखत्ता निकल गया है सब कहीं, इतना ज़्यादा खुजली हो रहा था कि बाप रे बाप, हम तो रोने लगे इतना ज़्यादा, ये भी रोने लगी, हम भी रोने लगे, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था इसको, खुजलाहट हो रहा था। उसके बाद लाडो भी जग गई, प्रिंस भी जग गया, तो हम सोचे चलिए हॉस्पिटल ले चलते हैं इसको पहले, तब कुछ होता है। चलिए यहाँ पर हम इंतज़ार करेंगे डॉक्टर साहब का भी, फिर से दिखा के फिर ले जाएंगे घर पर।